हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शद ब्लॉग। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं घर आ चुका हूँ, तो घर आने के लिए बहुत दो दिन लगा और दो दिन बहुत थकवा दिन था। तो फाइनली आज कल रेस्ट लेने के बाद आज सोचा कि, और ऐसे भी मेरे फ्रेंड बिजनी का है तो उसने बोला कि भाई आप आ गए तो जिम पे आ जाओ, तो मैं उसको बोल दिया कि हाँ पक्का आज जिम पे जाऊंगा। तो अभी जिम जा रहे हैं, तो फाइनली मैं जिम पे आ चुका हूँ। और मैंने आप लोगों को जो बोला था कि जिम में मेरा एक फ्रेंड है, वो है मुनीश। हाय बोल दो एक बार। हाय हाय। हाँ, यही है जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे जिम में एक फ्रेंड है, तो इसका नाम है मुनीश। और ये बंदा जो कड़क जो स्क्वाट मारता है ना भाई, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बाद में। जब मैं घर पे आता हूँ तो इस जिम पे मैं जिम करता हूँ, और इस जिम का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और जो जो बिजनी के एरिया के अंदर में हो तो उसको चाहे तो जिम, जब उसको लगे तो कि हाँ मुझे भी जिम करना है, तो मैं इस जिम का लोकेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इस जिम पर आ सकते हो। बहुत दिन बाद पुशअप किया, इतना ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूं, बहुत सीरियसली मैं बहुत दिन बाद जिम पे आया हूँ ना, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो और ऊपर से मोनीश बोल रहा है कि भाई लेग प्रेस कर ले एक बार। लेग प्रेस करूँगा तो भाई मैं उठ ही नहीं पाऊँगा, उधर से पकड़ के उठाना पड़ेगा। फिर भी भाई ट्राई करते हैं। और जिम पे जब आते हो ना तुम लोग, तो एक जोश रहना चाहिए। कि तुम्हारे पास जोश नहीं है ना तो तुम जिम कभी कर नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को देखा है। जब मैं हैदराबाद में था तब बहुत सारे लोग मेरे साथ जिम करता था, मेरे साथ वो लोग बोलते थे कि भाई आज मैं तुम्हारे साथ जिम करूँगा, तो मैं उन लोगों को लेके आता था। फिर उस लोगों ने बोलता था कि दो दिन मैंने ट्रेन किया था, दो दिन बाद उन लोगों को मैं जिम पे कभी नहीं देखा। दो दिन के बाद वो लोग भाग गए थे जिम से, तो ऐसा हुआ। बट इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम करने का शौक ना कुछ अलग ही रहता है, और जिम करने के लिए एक जोश रहना चाहिए, और वो जोश ना हर किसी के पास नहीं रहता है। वार्म अप सेट इसमें 35, उसमें 35, टोटल 70। टोटल 90 है यार, कुछ नहीं होता, ये तो लाइट वेट है, कोई बात नहीं।
और लास्ट लास्ट टू लास्ट 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 मोरिस लास्ट ओके ओके ये हमारा गुरुजी है। गुरुजी बहुत आज लेट कर दिया। आज लेट क्यों हुआ इतना बताओ? सो रहा था वो, बोल रहा है गुरुजी ने बोल रहा है कि तुम लोग गर्मी में आते हो तो मैं क्यों आऊँ इसीलिए अभी आया। हाँ ये हमारा ट्रेनर है, यंगेस्ट ट्रेनर है, यंगेस्ट। हाँ और ये जो गुरुजी है ना बहुत प्यारा गुरुजी है, बहुत अच्छे से ट्रेन भी करता है। और अरे आप भी जानता एक बात बोलो, जब नहीं नहीं आता है जिम करने के लिए तो उन लोग आप क्या सजेस्ट करते हो कि हाँ पहले फास्ट फर्स्ट टाइम में ये करना चाहिए और ये प्रोटीन लेना चाहिए, तो क्या सजेस्ट करोगी? पहले तो देखो, पहले तो प्रोटीन नहीं लेना है। हाँ तो सप्लीमेंट और जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जो भी पुलअप्स हो, डिप्स हो, बेंच डिप्स हो, वही करना है पहले। पहले वो कितने दिन करना है? वो तो ऐसे तो एक महीना तक करना है। एक महीने तक, उसके बाद वो जो प्रोटीन ले सकते हैं क्या? उसके बाद, उसके बाद जो प्रोटीन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता है ना? प्रोटीन का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक महीने तक कोई प्रोटीन नहीं ले सकते बिगिनर जो होता है? नहीं नहीं ले सकते ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोगों का जिम में क्या है, हम लोग देते नहीं है महीने तक। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। और ये बंदे को देखो हर वक्त ऐसे मिरर के पास जाके करते रहता है। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये जो अंदर का जो जिम का जो साइज है, अब ये देखो कैसे। ये हमारा जिम और ये है, बहुत लड़की लोग भी आते हैं, लड़की लोग इधर जिम करते हैं। तो स्क्वाट भी खत्म हो गया, पर स्क्वाट मारने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि जिम आज के लिए इतना ही करो बस, और करने के लिए मन नहीं कर रहा है। ये जो पूरा पूरा गया है आज मेरा पूरा फुल। और मनुष्य को देखो वो बैग, वो बैक प्रेस मारने के लिए रेडी है, उसका भी खत्म हो गया आज। मतलब आज इतना थका हुआ लग रहा है ना कि बहुत दिन बाद जिम करने के नतीजा यही होता है। और बस और हाफ एन आवर्स उसके बाद ख़त्म कर दूंगा। तो फाइनली जिम ख़त्म, अब जिम ख़त्म करने के बाद मनीष भी चला गया, मैं भी घर पे जा रहा हूँ अभी। मैं फिलहाल एक रेस्टोरेंट हूँ तो पोस्ट वर्क को उससे लेना पड़ेगा मुझे, इसीलिए अभी मैं एक रेस्टोरेंट आया हूँ तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा फिर इधर से चले जाऊंगा। तो फिलहाल वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा। बाय बाय।